हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? कल मैंने एक एक्शन मूवी देखी और आज भी मैंने एक एक्शन मूवी देखी, तो दोनों के बारे में बात करेंगे। जो कल देखी थी उसके बारे में मैं डिटेल रिव्यू कर चुका हूँ, जिसका नाम है एजेंट अखिल किनेनी, और किस तरीके की मुझे लगी, क्या चीज़ें उसके अंदर अच्छी थी, क्या चीज़ें थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती थी, नेगेटिव तो नहीं बोलूँगा। तो वो आपने अगर नहीं देखा है वीडियो तो आप देख लेना। अभी मैंने एक और फ्रेंच मूवी देखी जो आपको इंग्लिश में डब हुई भी दिख जाएगी, 2 घंटे के आसपास की मूवी है, और इसका नाम है AKA। जैसे बोलते हैं ना कि आप अपना नाम चेंज कर करके, अपनी आइडेंटिटी चेंज करके एक्सपायरी करते हो और कुछ देश के लिए रिजॉल्व करने की कोशिश करते हो, ये AKA वहाँ से आ रहा है। तो बहुत सारी आपने एक्शन फिल्में रिसेंटली देखी होंगी जिसके अंदर स्टोरी की डेप्थ थोड़ी कम होती है, थोड़ा डाइल्यूटेड तरीके का प्रोग्राम होता है, इमोशन थोड़े से कम होते हैं, एक्शन के नाम पे बहुत ज़्यादा हिलते हुए कैमराज होते हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये वाली जो फिल्म है ये काफ़ी हद तक एक इन चीज़ों को करेक्ट करती है। एकदम पिच परफेक्ट है कि नहीं है ये तो मैं बोलूँगा कि नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लगती है। इसके अंदर काफ़ी सारे डिफरेंशिएशन है। इसके अंदर आप देखेंगे कि एक स्पेशल ऑप्स एजेंट है एडम, और उसको ऐसा बोला जाता है कि विक्टर और मुख्तार के टेरिटरी के अंदर घुसना है, जो कि सपोजिटली कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं। क्या वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और ये एजेंसी कितनी क्लीन है कि नहीं है, यही सब आप यहाँ पर डिस्कवर करते हैं। लेकिन इस जद्दोजहद के अंदर जब ये विक्टर के घर चला जाता है और उसके गैंगस्टर दुनिया के अंदर घुसता है, तो उसको समझ में आता है कि एक उसका बच्चा भी है जॉनथन, और उसके साथ एक उसका अजीब सा लगाव हो जाता है। और जब ये लगाव हो जाता है तो फिर क्या कुछ वो करता है अपनी ड्यूटी, या फिर इस पास से चला जाता है, क्या होता है, यही सब चीज़ें आप देखते हैं। बट इन बिटवीन बहुत सारे आपको गन्स ब्लेजिंग दिखती दिखेंगी, डेथ्स दिखेंगी, और उसका काउंट काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। फाइट सिक्वेंसेज बहुत अच्छे हैं, और फाइट्स में स्पेसिफिकली इन्होंने हैंड कॉम्बैट से लेके चेस से लेके गन्स का सब कुछ अच्छे से किया, क्योंकि ये एजेंट है तो वेल ट्रेंड है, तो इसको कुछ भी मिल जाए उस तरीके से यूज़ कर लेता है। ब्रुटैलिटी भी खूब भर भर गया, तो जिनको एक्शन पसंद है उनको पसंद आएगा। बट एट द सेम टाइम चाहे थोड़ा सा लेट बिल्डअप होता है, लेकिन बिल्डअप हो जाता है एक अच्छा खासा इमोशनल बॉन्ड विक्टर और जोनाथन के बीच में, और वो कैसे एक टेररिस्ट मुद्दा और स्पाईगिरी के मुद्दा एलिमिनेशन के मुद्दे से एक बॉन्ड के रूप में चला जाता है, और क्या फिर वो फ़र्ज की साइड ज़्यादा झुकता है या फिर इमोशंस की साइड ज़्यादा झुकता है फ्रैंको, वही सब देखने वाली बात हो जाती है। जो फ्रैंको की एक्टिंग है उसके अंदर जो डिटर्मिनेशन आपको एक एक्टर के अंदर चाहिए होती है, और थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, वो थोड़ा सा आपको रीचर के जोन के अंदर लेके जाएगा। अगर आपने वो सीरीज़ देखी है तो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। और जो ह्यूमन नेचर है वो आस्पेक्ट एकदम निकल के आएगा। जो ब्रुटैलिटी है वो एक अलग एलिमेंट है जो आपको एंटरटेन करेगा सोटो से। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पिच परफेक्ट है। मुझे ऐसा लगा कि इस एक्शन ओरिएंटेड मूवी के अंदर थोड़ी स्टोरी जो है वो लीनियर है, बीच में एक अच्छा खासा सा ट्विस्ट है जो कि अच्छा है। बट एट द सेम टाइम जो फ्रैंको की बैक स्टोरी है वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करी गई है, तो उससे क्या होता है कि जो आप करंट में देख रहे हो सिर्फ उसी से ही एसोसिएट करते हो, आपको ये नहीं पता कि इसका आगे पीछे क्या है, वो सारा ज़्यादा इसमें एक्सप्लोर नहीं किया गया, तो आप कहीं ना कहीं थोड़े डिससेटिस्फाइड से फील करते हो। जो बिल्डअप है बच्चे के साथ एक तो थोड़ा लेट होता है और थोड़ा सडन होता है, उसकी जो रीजनिंग है वाई इज बॉन्डिंग इज स्लाइटली अनएक्सप्लेन, तो आप एक अननोन टेरिटरी में होते हो कि क्या इसके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से बच्चे के साथ ये बॉन्ड कर रहा है, वो सारी चीज़ें। तीसरी चीज़ जो कि हल्की सी कन्वीनियंस लगती है, यूजली क्या लगता है कि आपको एक धुक धुक लगी रहनी चाहिए कैरेक्टर के लिए जब अगर वो दुश्मन की टेरिटरी के अंदर होता है, तो ये धुक धुक इंपॉर्टेंट होती है। आपको कोई बहुत ज़्यादा धुक धुक नहीं फील कर रहे होते हो फ्रैंको के लिए, आपको लगता है कि ये निपट ही लेगा इनसे, तो वो थोड़ा वल्नरेबिलिटी अगर किसी भी कैरेक्टर के अंदर हो तो थोड़ा अच्छा होता है। लेकिन फिर भी ये काफ़ी सारी जो आज की ऑफ लेटली एक्शन मूवीज आई हैं उनसे काफ़ी बेटर है, तो आई विल रिकमेंड दिस वन। माई मूवी शुड बी स्कोर विल बी 7.5 आउट ऑफ 10। इट्स अ गुड वॉच, बट हिंदी में नहीं है, आपको इंग्लिश में देखनी होगी नेटफ्लिक्स के ऊपर।